को जय जिनेन। जय आज थोड़ी लेट क्लास स्टार्ट हो रही है, कोई बात नहीं, संडे है। अपन की दो क्लास हो गई, भाई सिक्का भाग दो की। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए प्रणम्य सागर जी महाराज की। प्राकृत ग्रंथों की जय हो। उन सब उनके पढ़ने वालों की भी जय, पढ़ाने वालों की भी जय, लिखने वालों की भी जय। कल हमने एकारांत वाला देखा था, पुल्लिंग का देख लिया और वारी वाला नपुंसक लिंग का देख लिया। पहले अच्छा इंडिय वाला का पहले कर लेते हैं, साहूड़ा वाले रूप बना लेते हैं, फिर वो कंप्लीट कर लेंगे। नहीं हो जाएगा, बस एक ही रूप बनाना है वो वाला। कल जो चीज़ रह गई थी ना इसमें बताई थी, अगले दिन कराएंगे। हाँ उकारांत वाले, कल हमने इकारांत और ईकारांत किसमें पुल्लिंग में देखे, और फिर हमने सेम चीज इकारांत वाले नपुंसक में देख लिया। इसमें उदाहरण क्या लिया था हमने, एक तो लिया था हाथी का, और ये देखा था हाथी शब्द पुल्लिंग का है, हिंदी से इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ प्राकृत में ये पुल्लिंग का। दूसरा हमने गामड़ी का बनाया था, बड़ी की मात्रा वाले, वो भी उसी प्रकार से चलेंगे। यहाँ नपुंसक में बनाया था वारी का, ठीक है। अब इसमें आज देख रहे हैं उकारांत, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इकारांत वाले से कंपैरिजन करके आपको देखना है। अब उकारांत पुल्लिंग का एक शब्द इसमें दिया है, शिशु, साहू, गुरु, रियु, पियु, तरु, सवणु। सबसे पहले तो ये हमें याद करने हैं, ठीक है। हिंदी उकारांत पुल्लिंग, ठीक है, हिंदी और प्राकृत। बोर्ड पे इसलिए लिख देते हैं कि कोई अगर बाद में रिकॉर्डिंग अगर देखे तो सीधे यहाँ से भी सीख सकता है। शिशु या बच्चा, शिशु ये गोल वाला शाह है, हिंदी में है और प्राकृत में इसका कोई काम नहीं है, तो क्या बन जाएगा, शिशु। शिशु बोलते हैं बच्चे को। उसके बाद साधु, इसका बन गया छोटी ऊ की मात्रा है, सा हु। फिर गुरु, इसमें गोला नहीं बन रहा है तो ये छोटा ऊ है। पहले आपको ये सब चीज़ बहुत डिटेल में बताई जा चुकी है। यहाँ पर भी गुरु शब्द प्राकृत का एज इट इज है, तो अभी हम जो गुरु शब्द यूज़ करते हैं वो प्राकृत से ही लिया गया है। उसके बाद है शत्रु, शत्रु को कई जगह रिपु भी बोलते हैं हिंदी में ही, तो रिपु से प्राकृत में क्या कहते हैं इसको, रियु। अब कहीं पर खाली उ लिखा है तो क्या है वो, उकारांती है ना। अब जैसे कहीं पर एक शब्द लिखा है मई, यहाँ पर ई की मात्रा नहीं है लेकिन ई सीधे सीधे लिखा है, मई माने मति बुद्धि, तो ये भी क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। ऐसे ही रियु लिखा है तो क्या हो गया, उकारांत हो गया। ये तो उनकी मात्राओं के चिन्ह हैं और सीधे भी स्वर डायरेक्ट आ सकता है, ये स्वर होते हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। इसके बाद है पिता, पिता के लिए पीयू, पीयू बोलते ना पीयू। वृक्ष के लिए तरु, वृक्ष माने पेड़ होता है, वृक्ष की तरु, यहाँ पर भी गोल नहीं बन रहा, रा के आगे। उसके बाद सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी कि जो सब चीज़ों को जानते हैं, सर्वज्ञ या सर्वज्ञ। अब हमने कल बताया था ना, ज्ञ को हमें कोशिश करनी है, अभ्यास करना है कि ज्ञ बोलने का, ज्ञ, हाँ जितना मैक्सिमम हो सके धीरे धीरे अभ्यास में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले हमें कोई गलत चीज़ पढ़ा दी गई है तो कोशिश की जाएगी ना उसको सुधारने की। सब वर्णु, सब माने हो गया सब, सब वर्णु, ठीक है। सर्वज्ञ होता है भगवान को बोलते हैं,
वो सब कुछ जानने वाले हैं, केवल ही भगवान का दूसरा नाम सर्वज्ञ भी होता है। तो ये सारे उकारांत के शब्द हो गए। अब इसमें आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, उसी के रूप बनाएं। गुरु आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? गुरु अच्छा लग रहा है। तो एक शब्द इन लोगों को बढ़िया लगा, गुरु शब्द, तो उसके रूप बनाएंगे। और पुल्लिंग है ये ध्यान रखना है, तो पुल्लिंग में एक तो चीज़ चलेगी जड़ के हिसाब से, दूसरी चीज़ जो हमने कल इकारांत देखा था उसके हिसाब से। तो जैसे इकारांत में जहाँ जहाँ ईकारांत किया है ना, ऐसे ही उकारांत में वहाँ वहाँ ऊकारांत कर देंगे। बाकी पुल्लिंग के हिसाब से कॉन्सेप्ट मोस्टली रहेगा। तो अब हम रूप बना रहे हैं गुरु के, ठीक है। छोटे ऊ की मात्रा है तो क्या हो गया, उकारांत हो गया। अब आएगा ना उसमें जब विभक्ति बनेगी तो कुछ बड़े हो जाएंगे, तो विभक्ति के साथ बोलते हैं फिर वो, ये मान के चलो आप। थोड़ा हिंदी मिक्स हो जाती है, थोड़ी प्राकृत मिक्स हो जाती है। प्राकृत का ही एक सुधरा हुआ रूप हिंदी है, और हिंदी को भी अगर सुसंस्कृत कर दिया तो वो संस्कृत है ना, अलंकार छंद और उपमा लगा दी, वो सारी सुंदर बना दिया तो संस्कृत बन गई। अब यहाँ पे रूल आपको याद है, 1 2 एक वचन बहुवचन, यहाँ द्विवचन का कोई काम नहीं है प्राकृत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया हमारा प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टी। अब आपको सामने रखना है पुल्लिंग वाला चार्ट और इकारांत वाला चार्ट। तो गुरु छोटे ऊ की मात्रा थी, हमने वहाँ पे क्या किया था कल इकारांत वाले में, किसका बनाया था हमने, वारी का और हत्थी का, तो क्या कर दिया, बड़ी ही कर दी थी हत्थी। तो यहाँ क्या कर देंगे, अब पहचान कैसे होगी बड़े की, गोला लगा देंगे। ये क्या आगे लिखेंगे ना, गो, बहुत ध्यान रखना है, रा वाले में बड़े ऊ की कर दी। बहुवचन में हमने कारांत में क्या किया था, हैं रो कर दिया था ना, रो हाँ अड़ाड़ी रो किया था। तो यहाँ क्या कर देंगे, पेज नंबर 33 है, हमने वहाँ किया था राणिणो ज्ञानी से, हत्थी से बनाए थे रूप, तो यहाँ क्या बन जाएगा, गुरुड़ो। अब यहाँ ध्यान रखना क्या सा है, छोटा है कि बड़ा है, राणिणो छोटी की मात्रा है। आपने टफ वाला ले लिया, ये गोल वाला मतलब, हाँ सही है, साहू में तो दिखाई दे जाता है कि वो छोटा है कि बड़ा है, यहाँ गोले पे बहुत ध्यान रखना है आपको, और उच्चारण में भी, यहाँ बोलेंगे गुरु और यहाँ बोलेंगे गुरुड़ो, गुरु हाँ वैसे ही है डिक्टेशन में। अब यहाँ पे गुरुड़ो, ठीक है। अब हमने फिर वहाँ पे किया था गामिडिम या हत्थिम या फिर तीसरा अणाड़िम, छोटी की कर दी थी, छोटी ही पहले से थी, यहाँ छोटा ही है, तो क्या हो जाएगा, गुरुम, बिंदी लगा देंगे कर्म वाले में, छोटी ऊ की मात्रा पे ही, बड़ी ऊ की मात्रा पे बिंदी फिट नहीं बैठेगी कहीं पर, है ना, साहुम ऐसी गुरुम। बहुवचन में हमेशा का सेम रूल है, जो यहाँ आएगा उसको कॉपी कर दो द्वितीय बहुवचन में। तृतीय वाले में हमने क्या किया था, अड़ाड़िणा है ना, हाँ राणिणा हो गया, तो क्या हो गया, गुरुड़ा छोटा लग जाएगा। बहुवचन में क्या है, हीम लगाया था हमने है ना, ई की मात्रा करके क्या किया था, अड़ाणी हिम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे और हिम, गुरु हिम। बस एक दो चीज़ें सीखनी है,
बाकी तो सब बस कहाँ कहाँ छोटा छोटा सा डिफरेंस है वैसे आपको आ जाएगा। चतुर्थी में हम हमेशा सस लगाते हैं और आड़म अड़म लगा देते हैं बड़ा करके, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाँ अड़ाड़िस जो था, तो ये क्या बनेगा गुरुस, छोटी की मात्रा गुरुस। और षष्ठी में भी सेम कॉपी कर देंगे गुरुस। उसके बाद बहुवचन में हमने क्या किया था, अड़मो अरिहंताड़म, हमें जब भी याद करना होता है ऐसे ही करते हैं, चतुर्थी बहुवचन अरिहंताड़म, और बड़ा कर दिया था अरिहंत को, तो ई वाले में भी बड़ी करेंगे, यहाँ पर भी बड़ी कर देंगे गुरु हम हाँ दोनों बन सकते हैं गुरु, हाँ गोल लगेगा रा पे गुरुडम, ठीक है। सेम छठी वाले में गुरुडम, पंचमी में हम तो लगाते हैं और हिंतो या सुनतो लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, हाँ छोटा वो है राडित्तो किया था, तो यहां पर क्या बन जाएगा गुरु छोटे ऊपिये गुरुत्तो, और बहुवचन में सुनतो या हिंतो, इसमें क्या लिया था हमने, हिंतो लिया था ना, हाँ हिंतो, तो हिंतो करने के लिए क्या किया, बड़ी की कर दी है गुरु हिंतो। गुरु हिंतो आखिरी रह गई सप्तमी, सप्तमी में अम्मी लगाते हैं और बहुवचन में क्या करते हैं सू लगा देते हैं बड़ी ऊ की करके, तो क्या बन जाएगा गुरुम्मी छोटी ऊ की, क्योंकि वहां पर अड़ाड़िम्मी किया था ना गुरुम्मी, और बहुवचन में बड़ा कर देते हैं हम, जैसे देवेशु किया था, और फिर हमने यहाँ पर क्या किया था गामड़ीसु हथीसु अड़ाड़ीसु, तो यहाँ पर बड़ा ऊ कर देंगे गुरु सु, हाँ पहले गुरु सु, सा पे छोटी उ की मात्रा है और रा पे बड़ा हुआ है गुरु सु। उसके बाद अष्टमी में हम क्या करेंगे, जो प्रथमा वाला है वो हम हे के आगे कॉपी कर देंगे, हे गुरु बड़े उ की मात्रा और बहुवचन में हे गुरुड़ो, गुरुड़ो ये प्रथमा वाला कॉपी हो जाएगा। अभी आपका उकारांत हो गया, इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें उकारांत के शब्द दिए हुए थे तो उसके रूप आपको पता होने चाहिए, है ना। अब ऐसे ही और कौन से शब्द हैं इसमें, नपुंसक वाले में भी उके दे रखे हैं ना दो, वत्थु और अंशु, नपुंसक में भी दो शब्द हैं, क्या फर्क बनेगा नपुंसक में और पुल्लिंग में, पहली वाले बस बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, वारिम की तरह से नपुंसक शब्द में ऑलमोस्ट सब सेम बनेगा, क्या फर्क आ जाएगा बस, पहले वाले में प्रथमा में बड़े ऊ की जगह क्या हो जाएगा उम हो जाएगा, बना लेते हैं बस प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। नमोस्तु के लिए वही रमोत्थु होता है ना, रमोत्थु रमोत्थु, हाँ रमोत्थु ये भी अच्छा है ना। अब हम करेंगे उकारांत नपुंसक लिंग, फिर हम देखेंगे क्या क्या चेंज है, ठीक है। उकारांत अच्छा ये हो गया पुल्लिंग की जगह, अब हम करेंगे नपुंसक, ठीक है। नपुंसक के शब्द यहाँ लिख लेते हैं, कौन कौन से दिए इन्होंने, वस्तु नपुंसक उकारांत, आपको अभ्यास के लिए खाली दो ही दिए इन्होंने, वैसे बहुत सारे होते हैं। पहला दिया है वस्तु,
वस्तु के लिए वत्थु छोटी उ की मात्रा, फिर है आंसू जो आंसू बहते हैं रोते में, आंसू इसके लिए प्राकृत का शब्द है अंशु, बहुत लोगों का नाम भी होता है ना अंशु, तो अंशु माने क्या होता है आंसू, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरा नहीं मिटा रहे, एक एक करके मिटाएंगे जिससे आपको कंपैरिजन दिखेगा और अभ्यास भी हो जाएगा। केवल पहले को छोड़ के अगर मान लो कहीं पर आपको कंफ्यूजन है, कल भी बताया था कि ये शब्द नपुंसक का या पुल्लिंग का है, कहाँ टेंशन लेनी है, जहाँ दो तीन जगह चेंज है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर कन्फ्यूजन है बाकी सब जगह वही परफेक्ट वही चलेगा सिस्टम, तो अगर कहीं कन्फ्यूजन आ भी रहा है कोई बात नहीं, जो रूल था वो लगा दो बस। फर्क कहाँ आएगा, बस स्त्रीलिंग में प्रथमा से ले तृतीया से लेकर सप्तमी में, वो आके डंडे से आपको पता चल जाना है। पुल्लिंग और नपुंसक में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो वो बस तीन जगह चेंज है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। उसके अलावा अगर वाक्य बन रहा है, के लिए बन रहा है, काकी के बन रहा है, मैं पेपर बन रहा है ना, से बन रहा है, कोई टेंशन नहीं है, वो भी बाकी चीज़ भी अभ्यास से आपको आ जाएंगी। लेकिन अगर नहीं ध्यान आती है तो आप वैसे बना सकते हो, ये हमने आपको जुगाड़ बता दी, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे वस्तु का, तो कैसे बन जाएगा, नपुंसक का शब्द है तो नपुंसक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मित्त वाला देखो आप निकाल लो ना, मित्त वाला, मित्त वाले में क्या था, मित्तम था, उसके सामने वारिम वाला किया था तो प्रथमा में वारिम कर दिया था, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, गुरु बड़ी यू की मात्रा हटा देंगे और क्या लेंगे वर्ड हम, वत्थु से बनाए कि अंशु से बनाए, वत्थु से, क्या बन गया वत्थुम सीधे सीधे, और यहाँ क्या बन जाएगा, वत्थु मूल शब्द है तो ये भी ऊ का ऊ ही रहा, छोटी ऊ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा वत्थुड़ो, आप लोग बोलो चलो, एक मिनट ये है हमारा, हाँ अड़ी लगा ये लगा, हाँ ये वाला चेंज था, ठीक है आपने सही बताया, थोड़ी थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे क्या बना, उकारांत में हमारा बनेगा हाँड़ी, ये महूड़ी, ठीक है ना, हाँ ये यहाँ पे ला हो गया, और वहाँ पर हमने भी किया था ना उकारांत वाले में, हाँ पुल्लिंग वाले में अड़ो था, नपुंसक वाले में अड़ी है, ये वाला थोड़ा सा और नीचे वो कॉपी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे आपको बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, पुल्लिंग वाले में अड़ो करते हैं, नपुंसक लिंग वाले ने मित्ताड़ी किया था हमने, है ना, तो वत्थु अड़ी हो जाएगा। यहाँ पर वत्थुम का सेम कॉपी हो जाता है और यहाँ पर भी सेम कॉपी, तो वो हमेशा रहता ही है, उसके बाद तृतीया में क्या किया था हमने, अड़ा 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 एड़ तो किया था देवेड़ जिड़ वाले में पुल्लिंग में, ये गुरुड़ा, तो क्या बनेगा गुरुड़ा की जगह वत्थुड़ा, हाँ एड़ एड़ नहीं आएगा क्योंकि ऊ की मात्रा पहले से आ रही है, तो ऊ पे ए कैसे लगाएंगे, जब मात्रा नहीं थी अकारांत था तो वो कर दिया था, इकारांत में इकारांत के साथ में हमने अड़ा लगा दिया, बहुवचन में क्या कर देंगे बड़ा ऊ कर देंगे वत्थु हिम, और चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी चलेंगी, छोटे ऊ की मात्रा और ससा कर दिया तो क्या बन जाएगा वत्थुस फुस, बहुवचन में क्या बन जाएगा बड़ा ऊ कर देंगे ठीक है वत्थु बड़म, षष्ठी में भी कॉपी कर लो,
षष्ठी और चतुर्थी जब भी कभी ऐसे रूप बनाने को आए एक साथ ही लिख दो, नहीं तो कई बार ना ध्यान नहीं रहता। वत्थुस और वत्थुरम, पंचमी रह गई। पंचमी में क्या किया, गुरुत्तो और गुरुहिंतो, तो वत्थुत्तो और वत्थुहिंतो, यहाँ छोटा हुआ है और वहाँ बड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ छोटा ही रहेगा वत्थुत्तो और यहाँ बड़ा हो जाएगा वत्थुहिंतो। सप्तमी में छोटा ऊ था गुरुम्मी गुरुसु, तो यहाँ क्या बन जाएगा वत्थुम्मी और वत्थुसु, बड़ा ऊ हो जाएगा। वत्थुम्मी ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा वत्थुसु, और यहाँ पर जो प्रथमा वाला था, लेकिन कल देखा था हमने नपुंसक वाले में बिंदी नहीं लगाते, है ना, कल किसी ने पूछा भी था, फिर चेक भी किया था हमने यहाँ पर, और यहाँ वाला सेम आ जाता है, ठीक है। ये महूड़ी, ये बड़ी ऊ की मात्रा थी इस पे, यहाँ पे हाँ बड़ी कमला इम किया था ना, बड़ा किया था हमने कमलाड़ी कमल को, और वहाँ पर भी मित्ता कर दिया था ना हमने मित्ताड़ी, हाँ तो यहाँ बड़ी आएगी ऊपर वाले में, उसमें भी तो हमने कल भी तो बड़ा ही किया था, कहाँ गए कल जो रूप थे 33 नंबर पेज, ये किया है ना वारीड़ी किया है ना नपुंसक में, वारी छोटी की मात्रा थी वारीड़ी, तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा है ना वत्थुड़ी, तो जब यहाँ पे लीजिए हम लेंगे तो क्या हो जाएगा पृथ्वी, तो सब में बड़े हाँ मित्ताणी, और उसमें भी जो जिड़ था तो जिड़ा, पुल्लिंग में भी देखो ना पुल्लिंग में जिड़ का जिड़ा किया, सब में बड़ा है बहुवचन में ना, लेकिन यहाँ पर इकारांत बाहर जो वो लगाया आगे, तो ये हो गया यहाँ पर बिंदी के बिना लिखेंगे हे वत्थु, फिर यहाँ पे हे वत्थुड़ी बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ा कर दिया था ना उसमें भी तो हमने एक उकारांत वाले में, उकारांत उकारांत अभी तो बनाया हमने, हाँ उसमें छोटा किया है साहुड़ो, वो डो वाला था, हाँ डो वाले में अलग है छोटा है बिल्कुल, आप उसको मार्क कर सकते हो, डो वाले में हमने साहुड़ो किया है, या अभी जो बनाया था हमने गुरुड़ो, और ये यहाँ वाला जो नपुंसक है इसमें बड़ा किया है, यही दो तीन चेंज है, यही आपको याद करने हैं बस, इसी प्रकार से याद हो जाएंगे कहाँ कहाँ चेंज है। हाँ अब आपका इसमें इन्होंने युवती का रूप और दिया है, कितने बज गए, हाँ तो फिर एक रूप और करेंगे, ये इकारांत वाला, इन्होंने पीछे लिस्ट नहीं दिया है जबकि यहाँ पे रूप दिया है स्त्रीलिंग वाला, स्त्रीलिंग में रूप वैसे ही चलता है तृतीया से लेके सप्तमी तक, सब में ए लगा दो है ना, तो उस प्रकार से थोड़ा देखते हुए इकारांत शब्द देखेंगे हम, इकारांत या इकारांत युवती का दिया हुआ है ना जुवई, स्त्रीलिंग में अभी हमने क्या क्या देख लिया, नहीं कल से अब तक हमने देखा पुल्लिंग का इकारांत उकारांत दोनों देख लिए, नपुंसक के इकारांत उकारांत दोनों देख लिए, अब एक स्त्रीलिंग का भी इन्होंने दिया हुआ है, तो स्त्रीलिंग में अब आपको चार्ट सामने रखना है बाला वाला, ऐसा नहीं है कि खाली आ का डंडा है तो स्त्रीलिंग है, आ वाला तो 100% स्त्रीलिंग है ना, आ वाला पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में नहीं है सब,
मतलब बाला टाइप का कोई भी शब्द है, किसी का भी नाम है जिसमें बाद में आ आ रहा है, वो 100% स्त्रीलिंग है। लेकिन स्त्रीलिंग में इसके अलावा भी कुछ और आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आ वाले ही स्त्रीलिंग में आएंगे, आ वाले सारे स्त्रीलिंग में आएंगे, बट स्त्रीलिंग में इसके अलावा कुछ और आ सकते हैं। अगर कहीं पे आ लिखा है जैसे देव है ना, में आ वाले जिसके अंत में आ रहा है वो 100% स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि इन दोनों में से कुछ होगा अगर आ आया है, तो ये ध्यान रखना है। पुल्लिंग या जहां पर अ वर्ड एंड में आ रहा है वहां ये मान के चलना कि स्त्रीलिंग नहीं है, है ना। जहां आया है वो 100% स्त्रीलिंग है। अब इसके अलावा आप अपने आप लगा लो कि स्त्रीलिंग में आ के अलावा कुछ और हो सकते हैं, और अ के अलावा भी पुल्लिंग नपुंसक लिंग में कुछ और हो सकते हैं, है ना। तो क्या बन सकता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में? पुल्लिंग में भाई आ बनेगा, आ नहीं होगा, ठीक है, ई बनेगा, ई भी बन सकता है, और ऊ भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। नपुंसक में भी ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? आ वाले की जगह आ हो जाएगा, और बाकी सारे स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं, ई ई ऊ या उ। और हम चेक कर लेते हैं इसमें, ई ई पुल्लिंग में आ गया, ऊ वाला आ गया, ऊ वाला आ गया पुल्लिंग में, नपुंसक में अ ई उ। अच्छा, इसमें ई के नहीं होते, नपुंसक में ई वाले रूप कम है, ठीक है, और उकारांत नपुंसक में ये आ गए, इकारांत भी हैं, इकारांत भी है, उकारांत भी है, सब हैं, ये सारे इसमें बन जाते हैं, ठीक है। ये तो वैसे समझाने की दृष्टि से बताया है कि हमें जैसे ही आका डंडा देखें तो आंख बंद करके हमें क्या लगाना है, इकारांत लगाना है। इसके अलावा भी फिर अभ्यास से आपको याद कर रहे हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है। जैसे युवती शब्द है वैसे हिंदी में भी वो स्त्रीलिंग है बाई चांस, और प्राकृत में भी वो स्त्रीलिंग ही है, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाकी शब्दों में आ जाती है। तो इसमें अब हम एक उदाहरण बनाएंगे, युवती इकारांत स्त्रीलिंग। यानी कि जिसके अंत में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आती है, इकारांत या ईकारांत। रूप एक जैसे चलेंगे, है ना, चाहे पहले मूल शब्द में इकारांत हो या ईकारांत। जैसे कल हमने किया था, एक गामड़ी लिया था बड़ी की मात्रा और एक रानी लिया था। तो अब युवती, जो वही, इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा है पहले से ही, पहले से ही बड़ी की मात्रा है, ईकारांत बोलेंगे इसको। कहाँ लिखा है ईकारांत? हाँ, लेकिन मात्रा यहाँ लग रही है ना, वो रूप एक जैसा ई कर लो उसको, एक ही बात है। इकारांत ऑब्लिक इकारांत कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग का रूप देख रहे हैं इकारांत में, एक और शब्द इसमें आता है। जब ये आप ये आज करा देंगे होमवर्क में, आपको कौन सा करना है, लक्ष्मी, लक्ष्मी का होता है लच्छी, कोई बात नहीं, देख देख के इतना ही तो बनाना है, बस मन में बना लेना, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी शब्द भी क्या है, लच्छी, तो ये क्या है, ईकारांत का, स्त्रीलिंग का ये भी। हाँ, और एक शब्द और है मई, मई माने मती, जो अभी बता रहा था ना बुद्धि के लिए, ये हो गया इकारांत, और ये कौन सा है, ईकारांत, और ये कौन सा है, ईकारांत। ये सब तीनों कौन से शब्द हैं, सब स्त्रीलिंग के हैं ये,
अब ये भले ही छोटी मात्रा है लेकिन रूप एक जैसे चलेंगे, तो हम बनाएंगे किसका, युवती का, एक और दो। साथ में आपको चार्ट कौन सा रखना है, बाला वाला, आ वाले डंडे से कोई मतलब नहीं लेकिन तरीका वो ही रहेगा मोटा मोटा। उसके बाद एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बताओ भाई क्या था उसमें, बाला का हमने बाला ही रहने दिया था। तो अब बड़ी की मात्रा है पहले से ही है, तो क्या कर देंगे, बड़ी की मात्रा ही छोड़ देंगे, जुवाई। उसके बाद बाला का बहुवचन क्या किया था, बालाओ। इन्होंने लोग बोल रहे हैं ना कि भाई क्यों दोबारा रिपीट किया है, कंपैरिजन करने के लिए रिपीट किया है इस वाले में, जो हम भाग एक में पढ़ चुके हैं इसीलिए शायद किया होगा रिपीट। तो क्या बन गया, बालाओ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जुवाई पहले से बड़ी की मात्रा है तो जुवाई ओ। उसके बाद दूसरा वाले में एक वचन में हर जगह वही रूल है, बिंदी लगाओ उठा के, बालम किया था तो क्या कर देंगे, हाँ ई पे बिंदी नहीं लगा के ई हटा देंगे और छोटी ई कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ के करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बहुवचन हमेशा कॉपी पेस्ट करना है, परमानेंट रूल, ठीक है, इसीलिए हम तो ये लगा देते हैं जिससे कि ध्यान रहे कि ये वाला कॉपी है। उसके बाद तृतीया से लेके सप्तमी तक आंख बंद करके हमने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका कि भैया ए लगा दो, है ना। इसमें वैसे और भी पर्यायवाची दिए हुए हैं लेकिन अभी हमें एक एक आसान तरीके से करना है जुगाड़ वाला। तो क्या करेंगे हम, जैसे बड़ा आ कर दिया था बाला ए, तो क्या करेंगे, जुवई ए, बड़ी ए। अब इसमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन सब में सेम, ठीक है, लेकिन पंचमी में हमने एक एक्स्ट्रा भी पढ़ा था तो वाला, तो वो भी आप लगा सकते हो पंचमी के साथ में, ये सब भी चलेंगे पांचवी में और क्या बन जाएगा, जो व इत तो। अब लेकिन ये वाला ए वाला चक्कर खाली प्रथमा इसमें है एक वचन में, बहुवचन में वो ही चेंज चलेगा जो हमारा हमेशा से चलता आ रहा है। क्या लगाया था हमने, देवे हिम, और जो भी हिम लगा के यानी बड़ी की मात्रा करी और वो करेंगे तो क्या बन जाएगा, जुवई हिम। और यहाँ पे हमने आड़म लगाया था अर्यंताड़म में, तो यहाँ पे अड़म लगाना है बड़ा करके तो क्या बन जाएगा, जुवई अड़म ओड़ा दोनों होते हैं ना, अड़म अर्यंताड़म में जैसे अड़ा आता है अर्यंताड़ भी बोल सकते हैं। अब ये वाला हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, चतुर्थी बहुवचन षष्ठी बहुवचन कॉपी मार दो, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर भी सेम आ गया, नहीं चतुर्थी वाला तृतीया है वो हिम वाला, तो चतुर्थी और षष्ठी एक जैसे हैं। पंचमी पे हिंतो या सुनतो तो क्या बन जाएगा, जुवई हिंतो। उसके बाद सप्तमी में एक वचन तो हमने ऊपर से ले लिया, बहुवचन में क्या लगाएंगे, सब जगह सु, और लेकिन क्या करा, बड़ा करके सू करा, मतलब पहला वाला जो है जुवई तो बड़ी रहेगी और सू छोटा रहेगा। कितना सही जुगाड़ है ना, वैसे अगर करो तो इतना लगता है कि पता नहीं क्या विभक्तियाँ इतनी सारी इतनी खतरनाक, तरीके से करो तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, करंतमयी हे मई बड़ी की मात्रा है, नहीं गलत छप गया है, छोटी भी और बड़ी भी दोनों हैं, हम पर्यायवाची इसमें तो बहुत सारे रूप दे रखे हैं ना, तो हम वही तरीका अपनाएंगे, प्रथमा को ही लिखो आप, और ये बिंदी गलत लगा दी है जो वही में, वो बिंदी हटाओ, हाँ हे जुवई
वैसे ये वाला शब्द जो है ना अष्टमी का प्रयोग में कहीं नहीं आता है ना। खाली प्रयोग में जब आएगा जब हम किसी का नाम लेके हे राम पुकारेंगे, हे हाँ हे युवती आ सकता है, युवती के केस में हे युवती कहीं संवाद चल रहा है तो हे जुवई। हाँ लगा सकते हैं हे जुवई और हे जुवई ई। ओ ये बिंदी हटा लेना आप, गलत छप गई है, बड़ी उ की मात्रा और ओ। अब आपका होमवर्क है और फिर वो इंद्रिय वाला पांच मिनट में पढ़ लेंगे। होमवर्क में ये दोनों बनाने हैं। इस वाले में आपको ध्यान रखना है पहले से छोटी ई है लेकिन रूप ऐसे ही चलेंगे, तो जहाँ बड़ी हो रही है वहाँ मई का क्या कर देंगे, मई बड़ी कर देंगे, जहाँ बड़ी हो रही है बड़ी रहेगी, ठीक है, जहाँ छोटी है तो मई हो जाएगा, जहाँ बड़ी है तो बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको रूप बनाने हैं। और ये वाला ये बड़ी जुवई ए किया था ना, नौ बज गए, कोई बात नहीं, हाँ वैसे ही बनाएंगे ए ए ए करके, ठीक वैसे ही पढ़ लें इंद्री वाला। दोनों हैं ऑप्शन में, इसमें जब हम दूसरी हेमचंद वगैरह से देखते हैं ना तो उसमें बहुत सारे एक एक के आठ आठ दस दस हैं, जैसे आपको दूर से दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं अभी हमने एक चीज़ याद करनी है, फिर अभ्यास में तो ऐसे आएगा कि कोई सी भी शब्द वो सेंस के हिसाब से कोई सी भी व्यक्ति लग जाती है, गाथाओं में उसमें मात्राओं के चक्कर में बहुत सारे सेंस होते हैं। अभी जैसे पढ़ रहे थे हम ये द्रव्य संग्रह आज आपके लिए लाए थे, ये इन्होंने निकाला है बिल्कुल सिखाने की दृष्टि से, तो अब इसमें पूरा उसी हिसाब से जब ये थोड़ा सा हो जाएगा ना तो द्रव्य संग्रह हम बस मुद्दे मुद्दे का करेंगे, गाथा अर्थ और विभक्तियाँ उसी हिसाब से दिए, ये कोर्स के पैटर्न के लिए ये आपके बहुत आपको आसान हो जाएगा द्रव्य संग्रह पढ़ना। उसमें कोई अपने आप टीका लगाओ, फिर अपने दिमाग से अपने आप भाव लगाओ, जितने लोग उतने भाव उतनी टीकाएँ, क्यों हम किसी की टीका पढ़ें जब हम प्राकृत सीख रहे हैं, तो बस शब्द सीखेंगे उसके अर्थ सीखेंगे और विभक्तियाँ सीखेंगे। तो इसमें नीचे हर लाइन में एक दो स्टार मिलेंगे आपको, स्टार मतलब एक्सेप्शन रूल, तो आपको तब ये गाथाओं से पढ़ोगे तब आपको अभ्यास होगा कि ये केवल मूल चीज़ सीखने की है, उसके बाद तो जहाँ छंद पूर्ति करनी होगी जहाँ लय बनानी होगी वो एक्सेप्शन रूल चलेगा, है ना। हाँ कल कर लेंगे, ठीक है, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।